हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर बीएम परपेंडिकुलर एसी एंड डीएन परपेंडिकुलर एसी, इफ बीएम इक्वल डीएन प्रूव दैट एसी बाइसेक्ट्स बीडी। तो इसमें गिवन क्या है लिख लीजिएगा भाई। गिवन हमारे पास बीएम परपेंडिकुलर एसी, डीएन परपेंडिकुलर एसी एंड बीएम इक्वल डीएन एंड बीएम इक्वल डीएन, ठीक है ना। ये चीज तो गिवेन है, और प्रूफ क्या हमें एसी बी बाइसेप्स बीडी, टू प्रूफ एसी बाइसेप्स, एसी बाइसेप्स बीडी, ठीक है ना। अब आ जाइए अपने प्रूफ पर। तो क्या करेंगे हम, ट्राइंगल लेंगे, इसे ओ डाल दी, ये है। तो इन ट्राइंगल बी ओ एम, इन ट्राइंगल बी ओ एम एंड ट्राइंगल डी ओ एम, ठीक है ना। अब इसमें देखिए आपका बी एम और डी एम इक्वल है, और ये कैसा एंगल, ये 90 डिग्री गिवेन है। तो क्या एंगल बी एम ओ इक्वल एंगल डी एन ओ, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर दिया है ना, तो ये क्या है गिवेन। और बी एम इक्वल डी एन, बी एम इक्वल डी एन, ये भी आपका गिवेन है, ठीक है ना। और इसके बाद आपका बी ओ एम, एंगल बी ओ एम इक्वल एंगल बी ओ एम इक्वल एंगल डी ओ एन, डी ओ एन ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कैसे है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अब देखिए ट्राइंगल मतलब एंगल साइड एंगल, तो कौन सी कंडीशन हुई, हेंस ट्राइंगल बी ओ एम कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ओ एन, ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कौन सी कंडीशन लगी, बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी। तो लिख सकते हैं देयरफॉर हमें निकालना क्या, ए सी बाइसेक्ट बी डी, यानी कि ओ बी इक्वल ओ डी हो गया ना, ओ बी इक्वल ओ डी बाई सी पी सी टी। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो अब लिख दीजिए, सो ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी इक्वल ए डी एंड बी सी इक्वल डी सी, प्रूव दैट ए सी वाई सेक्स एंगल ए एंड एंगल सी। और सेकंड प्रूफ है हमारा बी ई इक्वल डी ई, और थर्ड है ए बी सी इक्वल ए डी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे ए सी वाई सेक्स एंगल ए एंड सी, यानी हमें ये निकालना है कि ये जो ए सी है ना वो इसको बाइसेक्ट करती है और इसको भी बाइसेक्ट करती है। तो क्या करें, ये ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। तो देखिए ए बी इक्वल ए डी गिवन है ना, ए बी इक्वल ए डी, और बी सी इक्वल डी सी, बी सी इक्वल डी सी, ये दोनों चीज़ें हैं गिवन है, ठीक है ना। इसके बाद ए सी इक्वल ए सी कॉमन, ए सी इक्वल ए सी कॉमन, तो क्या हो जाएगा, हेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए डी सी बाई एस एस एस, यानी कि साइड 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 है ना, तो कौन सी कंडीशन लगी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी,
कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। सो एंगल बी ए सी इक्वल एंगल डी ए सी एंड एंगल बी सी ए इक्वल एंगल डी सी ए बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। ये तो हो गया फर्स्ट प्रूफ। इसके बाद क्या पूछा है, अब लिख दो। अब जैसे ये इक्वल हो गया तो हम लिख सकते हैं देयरफोर ए सी बाईसेक्ट्स एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, थर्ड प्रूफ ये है, ठीक है ना। तो थर्ड प्रूफ भी इधर राइट कर दीजिएगा, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए डी सी बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। ये थर्ड वाला हो गया। अब सेकंड वाले प्रूफ के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाला भी देख लीजिए, थर्ड वाला हो गया ना। अब सेकंड वाला देख लो, थर्ड प्रूफ सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें क्या करना है, बी ई इक्वल डी ई, यानी बी ई और डी ई इक्वल लाना। तो हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा ए बी ई और ए डी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल डी ए बी ई और ए डी ई, ए डी ई, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल ए डी और आपका एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल एंगल डी ए ई, ठीक है ना। ये अभी फ्रॉम फर्स्ट प्रूफ और ये गिवेन है ना। और इसके बाद क्या, ए ई इक्वल ए ई कॉमन, तो क्या हो गया, हेंस ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए डी ई बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। अब क्या आएगा, सो वी ई इक्वल डी ई बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल 90 डिग्री इफ पी बी इक्वल क्यू सी इक्वल डी आर, प्रूव दैट क्यू बी इक्वल आर सी, पी क्यू इक्वल क्यू आर एंड क्यू पी आर इक्वल 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फ्रॉम फिगर फिगर से हम क्या लिखेंगे, क्यू बी इक्वल बी सी माइनस क्यू सी लिख सकते हैं, क्यू बी इक्वल बी सी माइनस क्यू सी, ठीक है ना। तो क्यू बी इक्वल बी सी माइनस क्यू सी, ठीक है ना। सिंस ए बी सी डी स्क्वायर, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अगर ए बी सी डी स्क्वायर हो तो हमारा जो बी सी इक्वल डी सी होगा, तो लिख सकते हैं बी सी इक्वल डी सी, ठीक है ना। एंड और उधर देखो दिया क्यू सी इक्वल डी आर, यानी क्यू सी इक्वल डी आर इक्वल लिख सकते हैं क्यू सी इक्वल डी आर, क्यू सी इक्वल डी आर, ये साइड इसके इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करें, तो क्यू बी इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू बी इक्वल हो जाएगा सी डी माइनस डी आर, सी डी माइनस डी आर, क्योंकि देखो क्यू बी हमारा क्या है बी सी, और बी सी किसके इक्वल है, डी सी, है ना। तो डी सी के इक्वल, और आपका क्यू सी किसके इक्वल है, क्यू सी आपका दिया है डी आर के इक्वल, तो हम इसे लिख सकते हैं सी डी माइनस डी आर। देखिए सी डी माइनस डी आर कैसे आया, क्यू बी हमारा क्या होगा बी सी माइनस क्यू सी, ठीक है ना।
और बी सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, बी सी हमारा किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और क्यू सी किसके इक्वल है, डी आर के, तो इसलिए हम यहाँ पर डी आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो क्यू बी इक्वल हो जाएगा, क्यू बी इक्वल क्या लिखेंगे हम, अब क्यू बी, अब देखो सी डी लिखा ना, सी डी को लिख लीजिएगा आप, सी डी को डी आर प्लस आर सी, डी आर प्लस आर सी या सी आर कुछ भी लिख दो, सी डी को लिख लिया मैंने ये, ठीक है ना। और माइनस में क्या लिखा, डी आर, अब देखो डी आर से डी आर हो गया कैंसिल, तो क्या बचा हमारा, आर सी, ठीक है ना। तो क्यू बी इक्वल क्या आ गया, आर सी, फर्स्ट प्रूफ हमारा हो गया ना। अब देखते हैं सेकेंड प्रूफ, सेकेंड प्रूफ में देखिए, सेकेंड प्रूफ में हम ट्राइंगल ले लेंगे। अब हमारा प्रूफ हो चुका है क्यू बी इक्वल आर सी, क्या प्रूफ हो गया, क्यू बी इक्वल आर सी, ये हमने प्रूफ कर लिया है। और ये चीज़ इसके इक्वल दिया हुआ है, पी बी इक्वल क्यू सी दिया है ना, ये इसके इक्वल दिया, ये मैंने प्रूफ कर लिया। अब ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिएगा, तो सेकेंड प्रूफ में देख लो, सेकेंड पार्ट में क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल ये वाला ले लीजिएगा आर सी क्यू एंड ट्राइंगल आर सी क्यू और क्यू बी पी, देखो ये साइड इसके इक्वल है ना, तो ऐसे लेंगे इन ट्राइंगल आर सी क्यू एंड ट्राइंगल आर सी क्यू एंड ट्राइंगल आएगा आपका क्यू बी पी, क्यू बी पी, ये इसलिए लिया क्योंकि ये साइड पहले आई है ना, तो ये साइड इसके इक्वल है, तो इस तरह ये लेंगे क्यू बी पी। अब देखिए इसमें क्या है आपका, आर सी इक्वल क्या दिया है, क्यू बी, आर सी इक्वल क्यू बी, ठीक है ना, आर सी इक्वल क्यू बी, और ये एंगल आपका 90 डिग्री, एंगल आर सी क्यू इक्वल एंगल क्यू बी पी, ये 90 है ना, स्क्वायर के ऑल एंगल्स 90 होते हैं, क्यू बी पी इक्वल, अब लिख दिए ईच 90, ठीक है ना। और क्या दिया आपका, सी क्यू इक्वल बी पी, यानी सी क्यू इक्वल बी पी, सी क्यू इक्वल बी पी, ये देखो सी क्यू इक्वल बी पी दिया ना, पी वी इक्वल क्यू सी लिखते हो या लिखते हो, तो हैंस ट्राइंगल आर सी क्यू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्यू बी पी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ना, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लिख सकते हैं सो, हमें निकालना क्या था इसमें, हाँ पी क्यू इक्वल क्यू आर, तो पी क्यू इक्वल क्यू आर हो जाएगा ना, पी क्यू हमारा ट्राइंगल पहले कौन सा लिया था, आर सी, ये वाला लिया था, तो लिख दीजिएगा पी क्यू आर इक्वल पी क्यू, क्योंकि इसका पार्ट ही है ना, पी क्यू बाई सी पी सी टी, ठीक है ना। अब लिख दीजिए देयर, हाँ ये तो निकल आया आपका, और इसे ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल क्यू आर, ये तो निकल आया सेकेंड प्रूफ। अब आ जाइए इसका थर्ड प्रूफ, देखिए ये साइड इसके इक्वल निकल आई, ठीक है ना। अब थर्ड प्रूफ देख लीजिएगा, थर्ड प्रूफ में क्या करेंगे, इफ क्या है, पी क्यू इक्वल क्यू आर फ्रॉम सेकेंड प्रूफ, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो लिख सकते हैं देन एंगल क्यू आर पी इक्वल एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर ये इक्वल हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, वी नो दैट एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल 180, ये कौन सी कंडीशन होती, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए क्यू आर पी क्यू पी आर इक्वल है ना, लेकिन हमें निकालना क्यू पी आर, तो हम यहाँ पर भी क्यू पी आर राइट कर देंगे, क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर और प्लस पी क्यू आर कितना 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो क्यू पी आर, क्यू पी आर क्या हो गया, टू एंगल क्यू पी आर और ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 डिग्री,
ये हो जाएगा आपका एंगल क्यू पी आर इक्वल 90/2। तो एंगल क्यू पी आर कितना निकल आया, 45 डिग्री। जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7।